हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवमेंट इन ऑल। दो दिन से मैं आपको बता रही थी ब्लॉग में कि शनिवार आएगा और मैं मार्केट जाऊंगी। बेसब्री से मैं शनिवार का इंतज़ार कर रही थी और आज शनिवार है और समय लगभग 11:15 हो गया है, लेकिन अभी तक मैं नहीं निकल पाई हूँ। बिल्कुल सवेरे उठकर जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाया, इनको भी मार्केट में कुछ काम था। ये कह के गए थे मैं 11:30 बजे लौट आऊँगा, लेकिन ये अभी तक नहीं आए हैं और मैं एकदम रेडी होकर बैठी हूँ कि ये आए और मैं निकलूँ, क्योंकि ये थोड़ा सामान जो सब मैंने आप लोगों को बताया था क्या क्या लेना है और जो लूँगी वो शेयर भी करूँगी आप लोगों के साथ, तो उसमें तो समय लगेगा, लेकिन ये अभी तक आए नहीं है। मेरा मन बिल्कुल छोटा हो रहा है। अब देखती हूँ मार्केट जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, ये कब तक आते हैं। ये भी कुछ लेने ही गए हैं, अब क्या लेने गए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक ये नहीं आए हैं। तो खाना पाप पीना हो गया है हम लोगों का, किचन भी हमने साफ वाफ कर दिया है, सारा काम हो गया है। अब बस मार्केट का बचा है, ग्रॉसरी का भी सामान लेना था, किचन का डब्बा वगैरह भी धुलना था, तो अभी तो मैंने उन सब में ध्यान ही नहीं लगाया, बस सामान कल शाम में ही लिख लिया था। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे, अगर मार्केट गए तो वो भी शेयर करूँगी, देखते हैं क्या होता है। अभी मैं बालकनी आ गई हूँ, तब से मैं बैठी हुई थी इसी तरह से, अपना दूसरा तीसरा काम कर रही थी और दिमाग में रहता है कि मार्केट जाना है तो आप कोई विस्तृत काम को नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए मैं बैठी थी। लेकिन अभी उनका कॉल आया, मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, तो मैं बालकनी से आ गई हूँ उनको देखने के लिए। ये सड़क आपको दिख रहा है, इधर से ही आते जाते हैं लोग, तो इसीलिए मैं बालकनी आ गई हूँ। आप लोग भी बैकग्राउंड देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बिल्कुल हरियाली। धूप तो है, इतना धूप में मार्केट जाने का हिम्मत भी नहीं हो रहा है, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं है, आज शनिवार है, आज ही जाना होगा। देखते हैं वो कितना देर में पहुंचते हैं। और यहाँ पर मैं मार्केट आ गई हूँ, तो सबसे पहले मैंने वो सारे सामान ले लिए थे जो मुझे अस्तर वगैरह लेना था, अस्तर, मोती, लैस, पाइपिंग का डोरी। मैंने पाइपिंग फूड भी अमेजोन से ऑर्डर किया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। छोटी छोटी चीज़ें जो मैं ऑर्डर करती हूँ जो यूजफुल होता है सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस चैनल पर बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लाइफ का होता है। तो चलिए अब चलते हैं। यहाँ पर ये ग्रॉसरी का सामान था, वो भी मैंने पैक करवा लिया है से। और मार्केट से आने के बाद मैं थोड़ा सा पैर हाथ धोई, ठंडा पानी क्या रुआब जाए ये बना कर रखे थे, क्योंकि सैटरडे संडे इनका ऑफ रहता है, तो थोड़ा सा मैं ठंडा आराम से मैं बैठ गई, ठंडा हो गई, तब फिर मैं आ गई हूँ मोमोज बनाने। तो ये मोमोज की चटनी के लिए मैंने 15 मिनट तक इसको पानी में उबाला है। 2 टमाटर है, 3 लाल मिर्च है डंटी वाला, और प्याज है कटी हुई, और लहसुन का कुछ कली है। और स्टफ़ के लिए यहाँ पर मैंने लिया है बंधा गोभी, 2 गाजर जिसको कि मैंने अच्छे से छील लिया है, लहसुन है और प्याज है। और ये जो मोमोज मैं बनाऊंगी इडली मेकर में बनाऊंगी, और ये जो स्टैंड देख रहे हैं दूध रखने वाला इसका भी उपयोग होगा, कुकर बड़ा है साहब, मिक्सी का जार, और ये जो मैं क्रश करूंगी, और ये सोया सॉस है और ग्रीन चिली सॉस है, चाट मसाला है, सारा सामग्री मैं लेकर बैठी हूँ। ये मैदा है, तो मैदा में मैंने मात्रा अनुसार 1/2 चम्मच नमक दे दिया और 2 चम्मच रिफाइन इसमें डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिलाकर फिर मैदा को सबसे पहले मिलाकर रख दूंगी, जिससे कि वो जो डो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर मैंने बंधा गोभी गाजर को क्रश कर लिया है, जो लहसुन अदरक 2-3 हरी मिर्च और प्याज इसको एक साथ मैंने इस ग्रीन वाले में क्रश कर लिया है। अब कढ़ाई को गर्म होने डाल दिया, इससे पहले मैं चटनी बना लूँ। ये देखिए मैं बिल्कुल गर्म गर्म बना रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा और ठंडा होने दें फिर बनाएँ। सब मिक्सी में डालकर मैंने उसको चटनी मैंने बना लिया है, और यहाँ कढ़ाई में मैंने रिफाइंड डाल दिया। आप चाहें तो लहसुन और हरी मिर्च को अलग अलग डाल सकते हैं, लेकिन मैंने लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और थोड़ा सा अदरक एक साथ डाल दिया। और किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं पकने देना है, बस 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई होने देना है। एक चीज़ का जैसे ही हल्का कलर चेंज हो दूसरा चीज़ डाल दीजिए, जो ज़्यादा हार्ड है उसको पहले डालिए, जैसे कि बंधा गोभी के मुकाबले गाजर अधिक हार्ड होता है, मैंने उसको डाला। और किसी को भी 1 मिनट से अधिक मैंने नहीं इसको भुना है, और मात्रा अनुसार मैंने नमक डाल दिया। ये गाजर है पीला वाला, इसीलिए ये पीला लग रहा है। और सोया सॉस अगर डालते हैं आप किसी भी चीज़ में तो वो काला लगता है, जैसे कि चाउमीन वगैरह को आप देखते हैं कलर चेंज होता है, तो वो सोया सॉस करता है और उसमें अलग से टेस्ट भी होता है। तो उसको मैंने गैस बंद कर दिया, अभी मैंने ग्रीन सॉस और सोया सॉस बिल्कुल नहीं डाला है, वो ठंडा होने के बाद डालूँगी। यहाँ पर मैंने सारी पूड़ियाँ बना ली है, कुछ और बचे हैं, और यहाँ चटनी मैंने अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और इसको कटोरे में रख दिया, और लगे हाथ में मिक्सी धो लूँगी, जो कि मेरा आदत है, नहीं तो जमा हो जाएगा।
और अब यहाँ पर ये ठंडा हो गया है, तो ठंडा होने के बाद मैंने सोया सॉस डाला तो वो दिखा नहीं, वो क्लिप इसमें ऐड नहीं हुआ। और अभी मैं ग्रीन सॉस चिली सॉस डाल रही हूँ और थोड़ा कम डाला मैंने क्योंकि बाबू खाएगा, और इसको अच्छे से मिला लूँगी। सोया सॉस भी एक अजीब टेस्ट लाता है, बहुत ही अच्छा, और यकीन मानिए बिल्कुल बाज़ार की तरह ये बना था, और चटनी भी। तो मैं मार्केट से आई और मैंने कहा कि ठीक है आज मैं मोमोज बनाती हूँ, उसके बाद आप चाय बनाइएगा, मेरे हस्बैंड चाय बहुत अच्छा बनाते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया, फिर रात के खाने में लग गई। और यहाँ पर देखिए इसको स्टफ़ करने का अलग अलग तरीका होता है, आप अलग अलग तरह से कर सकते हैं। जैसे कि एक पूड़ी लिया और उस पर मैंने ये डाला, और इसको जिस तरह साड़ी में प्लेट बनाते हैं उसी तरह इसको बनाना है, और दो तीन तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ध्यान रहे कि पूड़ी आपका पतला हो, अगर पूड़ी थोड़ा भी मोटा हो जाएगा फिर कच्चा लगने लगेगा। और दूसरी बात यह है कि ये मोमोज स्टैंड है नहीं, ये मोमोज पॉट नहीं है, मैं इडली पॉट में बना रही हूँ और बनता ये काफ़ी अच्छा है। तो एक मैंने बनाया, एक और मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। दूसरे तरीके से, अलग अलग तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और आप लोगों में से जो भी चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बहुत मन लगने वाला है इस चैनल पर। और जो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। और इस तरह से मैं इसमें हर चीज़ डालते रहती हूँ, हर चीज़, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसा ना हो जो कि इसमें मैं इस चैनल पर नहीं डालती हूँ, इसीलिए इस चैनल का नाम है अचीवमेंट इन ऑल। और ये देखिए दोनों का बिल्कुल अलग अलग डिज़ाइन है, शेप है। अब यहाँ पर मैंने इडली स्टैंड ले लिया है और सबके कटोरे में मैं रिफाइन लगा दूँगी, रिफाइन का ही मोमोज में प्रयोग होता है। और रिफाइन लगाकर आप चाहें तो सरसों तेल भी डाल सकते हैं जिनको रिफाइन अच्छा नहीं लगता है। और इस पर मैं मोमोज रख दूँगी और इसी तरह कर करके सारे प्लेट पर, और मैं मोमोज रख के और इसको सेट करूँगी। ध्यान रहे कि मोमोज का, अगर आपका इडली स्टैंड थोड़ा छोटा है तो मोमोज का साइज़ भी आप छोटा ही दीजिएगा, नहीं तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट टकरा जाएंगे, क्योंकि ये इडली स्टैंड है। अब मैं दूसरे प्लेट पर इसी तरह से लगा रही हूँ रिफाइन। और कुकर में आपको एक से दो लोटा, यानी दो ग्लास आप मान के चलिए, मेरे पास छोटा एक लोटा है इसलिए मैंने लोटा बोला, दो ग्लास पानी डालकर उसके बाद वो जो दूध का स्टैंड है उसको रख दूँगी, उसके ऊपर एक छोटा सा प्लेट रखूँगी, उसके बाद मैं इडली का स्टैंड रखूँगी ताकि नीचे के प्लेट में जो मैंने ये मोमोज डाला है, सॉरी मैंने इडली बोल दिया, वो उस पानी से भींगे नहीं। और इस तरह से मैंने पूरा सेट कर दिया है और अब मैं कुकर में सेट कर दूँगी इसको। मैं कुकर को डिटेल से, ये कैमरा में ठीक से नहीं आ पाया क्योंकि मैं थक कर आई हुई थी, आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। दोनों तरफ गई थी मैं मार्केटिंग करने, वहाँ से आने के बाद ये घर में थे, तिन्होंने कह दिया आज मोमोज बनाओ, तो फिर बात उठाने में अच्छा नहीं लगता है, मन में आता है चलो आज ऑफ है तब तो ये बोले, और फिर ये बदले में बोल रहे थे फिर मैं चाय बना के पिलाऊँगा तो मैं ये बना के खिला दो मोमोज, तो लगा अच्छा चलो ठीक है, औरत तो थक ही जाती हैं। और उसके बाद 15 मिनट तक छोड़ने के बाद इसको इस तरह से निकाला, और इतना इस तरह से जब ट्रांसपेरेंट आपके अंदर का स्टफिंग जो है वो दिखने लगे, समझिए आपका मोमोज पक गया है। अब इसको जो है इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क दूंगी, और आप पत्ता गोभी और गाजर से इसको गार्निश कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी बना था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये घर में मैंने बनाया है या बाहर का है, बिल्कुल सेम टेस्ट लग रहा था। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग भी आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। जो मैंने मार्केटिंग की है वो मैं कल के वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी, अभी तो मैं दिखा नहीं सकती थी, थक कर आई हूँ, और ग्रॉसरी में दिखाऊंगी नहीं, दिखाऊंगी मैं आपको क्या, तो जो मैंने लिया है कुछ ज्वेलरी वगैरह लिया है, कुछ ईयर रिंग्स लिए हैं, और जो कपड़ा वगैरह लिया है वो दिखाऊंगी। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा अन्य ब्लॉग की तरह। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।